जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव होने वाले हैं। राज्य का स्ट्रक्चर बदल चुका है। जम्मू कश्मीर उस तरह का राज्य बन गया है जैसी व्यवस्था दिल्ली में देखने को मिलती है। परिसीमन हो चुका है, सीटों की संख्या भी तय हो चुकी है। कुल 90 सीटों के लिए 86 लाख मतदाता मतदान करने वाले हैं। लेकिन इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की सियासत में दखल रखने वाले बड़े नेता इस दौरान कहां होंगे। अलगाववादियों से जुड़े कई नेता सजायाफ्ता होकर चुनावी रेस से बाहर हो चुके हैं, तो कुछ अलगाववादी नेता गुजर चुके हैं। इस बार के चुनाव में हुर्रियत कांग्रेस के बड़े नेता सैयद शाह गिलानी के बगैर होगा। साल 2021 में उनका इंतकाल हो गया था। अब आइए हम आपको चुनावी रणनीति के बारे में समझाते हैं कि इस बार का चुनाव कैसे अलग होने वाला है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। उमर हाल ही में लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट से निर्दलीय प्रत्याशी से हार गए थे। चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती भी कर चुकी हैं। महबूबा ने कहा कि जब तक कश्मीर को अनुच्छेद 370 और पूर्ण राज्य का दर्जा वापस नहीं मिल जाता है, तब तक वो चुनाव विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक तरफ इन दोनों बड़े नेताओं ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे कई नेता हैं जो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। इनमें बड़ा नाम अलगाववादी नेता यासीन मलिक का है। 2022 में यासीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जम्मू कश्मीर के चुनाव में अलगाववादी नेता शबीर शाह की पार्टी जम्मू कश्मीर फ्रीडम पार्टी और नईम खान की पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट चुनावी रण में नहीं उतर पाएंगे। दोनों ही पार्टियों पर 2023 में केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया था। नाजिर अहमद खान बारामूला के गुरेज से 3 बार विधायक रह चुके हैं, अब वो इस सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुरेज सीट को नए परिसीमन में चुनाव आयोग ने आदिवासियों के लिए रिजर्व कर दिया है। यही हाल कंगन, कोके माग, राजौरी, बुद्धल, सूरनकोट और मेंधार सीट की है। चुनाव आयोग ने इन सीटों को भी आदिवासियों के लिए रिजर्व घोषित किया है। यहाँ के नेता अब अपने लिए सुरक्षित सीट की तलाश में जुट गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिन सीटों को आदिवासियों के लिए रिजर्व किया गया था, उनमें से अधिकांश सीटों पर 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को जीत मिली थी। नए परिसीमन की वजह से इस बार संग्रामा सीट अस्तित्व से खत्म हो गई है। यहाँ चुनाव लड़ने वाले नेताओं को अब अपने लिए ई सीटें ढूंढनी पड़ेंगी। 2014 में 87 सीटों के लिए चुनाव कराया गया था, जहां बहुमत के लिए 44 सीटों की जरूरत थी। इस बार 90 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। बहुमत के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को 46 सीटों पर जीतना जरूरी होगा। जम्मू रीजन में विधानसभा की 43 और कश्मीर रीजन में 47 सीट है। इस बार सरकार बनाने में दोनों रीजन की भूमिका अहम होगी। उमर अब्दुल्ला खुद चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेहरा होने के नाते प्रचार कर सकते हैं। उमर की पार्टी घाटी में 37 और 40 सीटों पर लड़ सकती है। पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन है। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 2070 के वापसी तक चुनाव नहीं लड़ने की कसम खाई हुई है। हालांकि पहले भी उन्होंने कई वादे तोड़े हैं। ऐसे में इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि महबूबा इन कसमों को तोड़कर चुनावी रण में उतरेंगी। गुलाम नबी आजाद पहले कांग्रेस में थे और अब खुद की पार्टी बना रखी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में मैदान में नहीं उतरे, विधानसभा में क्या करेंगे इस बार इस पर सस्पेंस बरकरार है। शबीर शाह अभी जेल में बंद हैं, इसलिए उनके चुनाव लड़ने की संभावनाएं कम हैं। लोकसभा में नहीं लड़े थे, हालांकि विधानसभा को लेकर कोई ऐलान अभी नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। फारूक ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा और जीता तो मुख्यमंत्री भी बनूंगा।